हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 संस्कृत 15 चैप्टर सेकंड लेक्चर। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। दंतहीना, दांत नहीं है, शिलाभक्षी और निर्जीव बहुभाषका, वो निर्जीव है लेकिन बहुत दिखता है। गुड़ा स्फूर्त स्पर्धो अपि परपादनम गच्छत, गुड़ों से परिपूर्ण है, समृद्धशाली है लेकिन परपादनम गच्छत, लेकिन परपादनम वैसे तो चलता है लेकिन उसके पैर नहीं। ये क्या है? ये देखिए बेटा, ये दांत से हीन है लेकिन लिखता है, चलता है, तो ये क्या है? पहेली है। त्रिनेत्रे अपि शिवो नास्मि, तीन आँखें हैं लेकिन शिव नहीं है। घटो नास्मि जल प्रता, घड़ा है लेकिन जल नहीं है। कूचर्म सुते नित्यम नरो नास में ब्रवीत माम, वो दाढ़ी और मूछों से युक्त है लेकिन मनुष्य नहीं है। अब आप बताइए क्या है ये पहेली, ठीक है? आकाशचारी नाचा वायुयानम, आकाश में उड़ता है लेकिन वायुयान नहीं है। मांस खाता है मृगाधिराज। द्रुत वेग गामी, द्रुत वेग कहते हैं बहुत तेजी से चलता है। और ध्वनि वायु सुदूर दृष्टवा चाहिए, ध्वनि और दूर से देखता है योगी राज लेकिन नहीं है। आप बताइए आप क्या है, ठीक है? वृक्षाग्रवासी नाचा पक्ष राजा, वृक्षों का वासी है लेकिन पक्षी राज नहीं है। त्रिनेत्रधारी नाचा सूलपाणी, तीन नेत्र है लेकिन वो सूलपाणी नहीं है। सूलपाणी किसको कहते हैं? शिव नहीं है। त्वग्नस्तधारी नाचा योगी राजा, पेड़ की त्वचा से वस्त्र धारण करता है लेकिन योगी राज नहीं है। जैसे शंकर जी को देखा है ना बेटा, मृग की छाल पहनते, ऐसे वो पेड़ के पत्ते पहनता है लेकिन क्या है? योगी राज नहीं है। और जल से पूर्ण है लेकिन घड़ा नहीं है, जल है उसमें लेकिन घड़ा नहीं है। क्या है देख रहे हैं ये, इसमें जल भरा हुआ है। तो आपको ये इसका अर्थ नहीं लिखना है, बस आपका ये पढ़ना है, ये पहेलियाँ हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी, इसके अर्थ नहीं लिखना है, ठीक है? आप लोग होमवर्क अपना नोट कीजिए, होमवर्क में ये आप लोगों ने शब्द अर्थ लिखना है आपने। ये तो लिख ही लिया होगा, ये आपको लर्न करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।